नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की ओर से सरकार को भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर बाकी सभी सरकारी बैंकों के निजीकरण करने का सुझाव दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दशक के दौरान SBI को छोड़कर अधिकांश सरकारी बैंक प्राइवेट बैंकों से पिछड़ गए हैं। बता दें कि NCAER की महानिदेशक और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य पूनम गुप्ता और नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया ने लिखित रिपोर्ट में कहा है कि PSB ने अपने प्राइवेट सेक्टर के समकक्षों की तुलना में संपत्ति और इक्विटी पर कम रिटर्न प्राप्त किया है। अरविंद पनगड़िया और NCAER की पूनम गुप्ता की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्राइवेट बैंक सरकारी बैंकों की तुलना में बेहतर विकल्प के तौर पर सामने आए हैं। खबरों के अनुसार NCAER की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि सरकारी बैंक डिपॉजिट और लोन दोनों के मामले में प्राइवेट बैंकों के सामने फिसड्डी साबित हुए हैं। वर्ष 2014 से वर्ष 2015 के बाद से बैंकिंग सेक्टर में बढ़ोतरी की लगभग पूरी जिम्मेदारी प्राइवेट बैंकों और SBI के कंधों पर ही है।